बच्चों की पढ़ाई का नुकसान आप तीन चीज़ा कर दें। एक तो अंग्रेजी, पंजाबी बच्चे की समस्या यह है कि घरे पंजाबी, टीवी मोबाइल तो हिंदी, तो स्कूल कई माड़े भागी वो है जो अंग्रेजी तो बिना होर कोई बोली बोलन नहीं देंगे। हुण तो आईलैट्स वाली संस्था BC भी कह चुकी है, ब्रिटिश काउंसल भी कह चुकी है भाई जे बच्चे वधिया अंग्रेजी सिखाउणी तो पहला पंजाबी माँ बोली च होवे, मतलब कि किसी भी मुल्क की माँ बोली च होवे। अपने गुआंढ च भी चैलेंज दे के देख लो, बहुते बच्चों पूरा ऊड़ा आड़ा भी नहीं आता। हुण कईआं दा मन वीडियो छड्डण जां स्किप करन दा करदा होना, पर आप ही सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दिओ। जापान की पढ़ाई जापानी, चीन की चीनी, रूस की रूसी, तो इजराइल की हिब्रू जबान च होण दे बावजूद ये मुल्क तरक्की किवें कर गए? आइंस्टाइन दीआं खोजां जर्मन च, टॉलस्टॉय दीआं लिखतां रशियां च, इस तरीके नाल हर जहन तरीन बंदा अपनी बोली च कम करके ही कामयाब होया। फिर किस तरीके नाल आपां उम्मीद करिए कि पंजाबी बच्चे अंग्रेजी नाल कामयाब हो जाणगे? हुण सुणो एक होर कमी, वह है रट्टा, जो कि पहली कमी जानी अंग्रेजी की ही देन है। अजकल तकरीबन हर बोर्ड के 9वीं 10वीं के सिलेबस च साबण बनाउण दा फार्मूला हुंदा, तरीका हुंदा। किन्ने क स्टूडेंट्स नूं इह तरीका अगले समेस्टर च भी याद रहिंदा? विरले ही होणे। पर जिन्हां ने पंजाबी च चीज़ां पढ़ियां उन्हां नूं फिर भी इह चीज़ां काफ़ी देर तक याद रहिंदियां। माँ बोली च चीज़ां समझियां जांदियां, बगानी च तां रट ही हुंदियां। ठीक है अंग्रेजी की लोड़ है, पर पंजाबी ओ पंजाबी छड्डे बिना गुजारा नहीं होना। दूजी वड्डी कमी इस निजाम, इस प्रबंध की है बेलोड़ी मुकाबलेबाजी। इस मुकाबलेबाजी करके कई बच्चे तो खुदकुशी भी कर जाते। जरूरी तो नहीं जे बच्चा जमात चों उतले तीन मुकाम नहीं हासिल कर सकता पढ़ाई च तो वह नलायक। बिल गेट्स 10वीं चों 2 सब्जेक्ट चों फेल है, सचिन ने 12वीं भी नहीं पास की। होर बथेरे अपने खेत्र के कामयाब इंसान ऐसे आ जिहड़े पढ़ाई च तां पिछे रहे, पर हुण उन्हां दी दास्तान स्कूलां दीआं किताबां च मौजूद है। हल की होवे? हल यह है कि बच्चे का मन पढ़न दी लोड़ है, कि उसका पढ़ाई च मन ज़्यादा लगता कि खेडां च, कि संगीत च, कि पेंटिंग च। फिर अगला पड़ा कि पढ़ाई च किहड़े विषय च, ते जे खिडारी है तां किहड़ी खेड च। जे सारे मास्टर जां डाक्टर ही बन गए तां तुसीं इह वीडियो देखण जोगे नहीं रहोगे। ये वीडियो तुहाडे तक लियाउण च घट्टो घट 100 अलग अलग किते दे लोकां दा योगदान होना। आराम नाल बैठ के विचार लियो। तीजी वड्डी घाट जो पहला नहीं सी, आ थोड़े सालां तों ही आई है, वह है शोशेबाजी। अज ग्रीन डे है, अज मशरूम डे है, अज आ डे, कल ओ डे, किन्ने फालतू खर्चे वधा रखे इन्हां प्राइवेट स्कूलों ने। इहदे नालों उस चीज़ ते जोर दिओ जो इस शोशेबाजी तों किते ज़्यादा जरूरी है, वह है करैक्टर बिल्डिंग, बच्चे का किरदार उसारना। बच्चे नकल करके सीखते हैं। जे बच्चे मूहरे सारा दिन इंस्टाग्राम या फेसबुक से टाइम टपाउणा, फिर बच्चे ने भी उह जिहा रंग लाउणा। आप बीन वर्गा ढिड कढ के अपने बच्चे नूं ग्राउंड जाण नूं किवें कहोगे? यही गल हर थान लागू हुंदी। हफ्ते च एक दिन जे हो सके तां हर रोज़ सवेरे नहीं तां शामी गुरद्वारे, मंदिर, मसीत, जिथे भी तुहानूं लगदा कि बच्चे नूं चंगी गल सीखण नूं मिलेगी उत्थे जरूर लैके जाओ। ये तीन वड्डियां बीमारियां ते उहनां दे हल। जे तुहानूं लगदा कि कोई गल करन तों रह गई तां जरूर कमेंटां राहीं दसो। वीडियो जे वधिया लगी तां लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ। चैनल तां तुसीं सबसक्राइब कर ही लिया होणा।